मैनपुरी के क्रिश्चियन ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, सपा और बसपा की गुंडागर्दी खत्म हो गई है। पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, दंगे होते थे, अब दंगा नहीं होता। कोई कोशिश करता है तो उसका पोस्टर चौराहों पर लग जाता है। जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तो पहला काम प्रभु श्री राम के मंदिर पर हमला करने वाले आतंकियों को छोड़ने का काम किया गया था। हमने किसानों का ऋण माफ किया, हमने कोरोना काल में फ्री में दवा, उपचार और वैक्सीन दी है। तो अखिलेश कहते थे ये तो मोदी वैक्सीन है, इस बार आप भी कह देना कि वोट भी बीजेपी को ही देंगे। और 2 करोड़ नौजवानों तक ही पहुंचाएंगे नहीं, टैबलेट और स्मार्टफोन का खर्चा भी मां बाप पर नहीं आने देंगे, इसका खर्चा भी डबल इंजन की सरकार उठाएगी, डिजिटल एक्सेस का खर्चा भी सरकार उठाएगी। हमारा नौजवान ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन और कंपटीशन की अपनी तैयारी कर सके। हमारा नौजवान, और आपने देखा होगा 5 साल में आपकी भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश आपके सामने है। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, दंगाई अगर कहीं दंगा करता है तो उसके पोस्टर अगले दिन चौराहे पर लग जाते हैं कि ये घोषित दंगाई है। और तीसरे दिन उसके घर जाती है कि इसने इतनी संपत्ति का नुकसान किया है, इस संपत्ति की अब भरपाई भी एक कर ले। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं होगा, भाइयों बहनों, व्यवस्था को आप अच्छे ढंग से आगे नहीं बढ़ा सकते। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, दंगाई अगर कहीं दंगा करता है तो उसके पोस्टर अगले दिन चौराहे पर लग जाते हैं कि ये घोषित दंगाई है। और तीसरे दिन उसके घर जाती है कि इसने इतनी संपत्ति का नुकसान किया है, इस संपत्ति की अब भरपाई भी एक कर ले। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं होगा, भाइयों बहनों, व्यवस्था को आप अच्छे ढंग से आगे नहीं बढ़ा सकते। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।